हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज का हॉल वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आज का हॉल है पर्पल कलर स्पेशल हॉल वीडियो। और जो भी कलेक्शन आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, उन सभी को मैंने परचेज किया है मीशो से। एंड अभी तक अगर आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो मीशो का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जो भी कलेक्शन आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, उन सभी का परचेज कोड भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आज के इस हॉल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ट्यूनिक टॉप, कुर्ती, ड्रेसेस। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो पीस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो एक ट्यूनिक टॉप है। कुछ इस टाइप का ये टॉप है एंड पिक्चर्स आपको सारी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी विद प्राइस। सो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। साइज़ मेरा है एक्सल, हाइट है मेरी 5'4" एंड प्योर कॉटन फैब्रिक में आपको ये ट्यूनिक टॉप मिलेगा। एंड ट्राई ऑन में आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि ये वेयर करने पे कैसा इसका लुक आ रहा है। एंड कुछ स्क्वायर टाइप का यहाँ पर नेक इन्होंने बनाया हुआ है। फ्रंट में आपको डोरी की डिटेलिंग मिलती है, डोरी के साथ में यहाँ पर टेसल मिलते हैं आपको लगे हुए, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड ये दो कलर में है, पर्पल एंड साथ में इन्होंने मस्टर्ड येलो शेड इसमें इंक्लूड किया है, जो अच्छा लग रहा है देखने पर। एंड जो प्रिंट आप देख रहे हैं ये पूरा फैब्रिक में सेल्फ प्रिंट है, तो कुछ भी नहीं निकलेगा। एंड यहाँ पर ये अलग से इन्होंने फैब्रिक अटैच किया हुआ है। एंड गैदरिंग यहाँ पर आपको वेस्ट एरिया पर डली हुई मिलती है। एंड यहाँ पे हल्का सा आपको फ्लेयर इसमें मिलता है। और ट्राई ऑन में आपको आइडिया हो जाएगा कि वेयर करने पे कैसा इसका लुक आ रहा है। 3/4 इसकी स्लीव्स है। स्लीव्स पर अगेन ये जो बॉर्डर इन्होंने बनाया हुआ है, दोनों तरफ ये बना हुआ है। एंड बैक से ये प्रिंटेड है, फैब्रिक के सेल्फ में प्रिंट है, तो कुछ भी निकलने का इशू नहीं होगा। एंड यहाँ पर अगर आपको हल्का सा ये लूज लगता है तो ये डोरी जो दी गई है इसे आप हल्का सा यहाँ से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो वेयर करने पे ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसका परचेज़ कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो नेक्स्ट जो पीस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी वो एक चिकनकारी कुर्ती है, जो कॉटन के फैब्रिक में आपको मिलती है। साइज़ अगेन मैंने परचेज़ किया है एक्सेल। एंड कुछ इस टाइप की ये कुर्ती आपको मिलती है। लाइलेक इसका शेड है और इसके शेड के लिए ही मैंने इसको परचेज़ किया है, क्योंकि इसका शेड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और इस टाइप का ये कुर्ता आपको मिलता है। बाकी आइडिया आपको ट्राई ऑन में हो जाएगा, इसकी लेंथ कहाँ तक आ रही है, इसका लुक कैसा आ रहा है, वो आपको आइडिया ट्राई ऑन में देख करके हो जाएगा। सो राउंड इसका नेक है, नेक के साथ में छोटा सा वी कट आपको यहाँ पर मिलता है। फ्रंट में पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको यहाँ पर मिलता है, चिकनकारी वर्क मिलता है यहाँ पर आपको। पूरे ही कुर्ते में आपको सिक्वेंस वर्क देखने को मिलता है एम्ब्रॉयडरी के साथ में, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसका शेड बहुत ज़्यादा प्यारा है और आराम से आप इसको वेयर कर सकते हैं। कॉटन इसका फैब्रिक है, 3/4 इसकी स्लीव्स है, कुछ इस टाइप का इस पर वर्क है। और ये सीक्वेंस इस पर लगे हुए हैं स्लीव्स के ऊपर भी। एंड स्लीव्स पे यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी अलग है, यहाँ पर इसका जो बॉर्डर बनाया हुआ है एम्ब्रॉयडरी से वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप देखिए कटवर्क का डिटेलिंग आपको मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वेयर करने पर। सो इस कुर्ती का जो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट है, और लाइट शेड होने की वजह से ये कुर्ती सी थ्रू होने वाली है। और अगर आपको पसंद आती है, परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर एक इनर एड ऑन करना पड़ेगा। सो बाकी कुर्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी है, कलर इसका बहुत प्यारा है, वर्क इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो पूरे ही कुर्ते पर आपको ये चिकनकारी वर्क मिलेगा। एंड यहाँ पर आपको जो स्लीव्स पे वर्क था वही यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड बैक से ये कुर्ती पूरी प्लेन है, बैक पे आपको कुछ भी वर्क नहीं मिल रहा है, ये पूरी कुर्ती प्लेन है। सो वेयर करने पे ये कुर्ती भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, इसका कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीस। और जो मैं नेक्स्ट पीस आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये वेयर करने पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा है। और ये एक ड्रेस है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई है। प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है, साइज़ मीशो पे इसका मेंशन था फ्री साइज़, एंड ये मुझे परफेक्टली फिट आ गया है। और साइज़ का मुझे कुछ भी इशू नहीं रहा। एंड मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ, तो वेयर करने पे ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये एक ड्रेस है और फ्रंट से आपको इसका लुक कुछ इस टाइप का मिलता है, ऊपर से ऐसा लगता है जैसे आपने काफ्तान वेयर किया है। बट ये एक ड्रेस है और इस टाइप का आपको ये इसका शेड मिलता है, पर्पल और वाइट के कंट्रास्ट में ये ड्रेस आपको मिलती है। और प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है।
वेस्ट एरिया पर आप देखिए आपको इतना ब्रॉड इलास्टिक की डिटेलिंग मिल रही है और इस वजह से ये प्रॉपर फिट आ गया फ्री साइज़ होने के बावजूद। एंड ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है तो आराम से आपको आ जाएगा, आप डबल एक्सल हैं तो भी आपको ये आराम से आ जाएगा। और वेयर करने पे आप ट्राई ऑन में देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा ये इस तरह से है, ऊपर से नीचे पूरा टाई एंड डाई पैटर्न में है। इसमें आपको कलर शेड भी मिल जाएंगे, इसमें आपको आपको अगर लॉन्ग ड्रेस नहीं चाहिए तो शॉर्ट ड्रेस भी अवेलेबल है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। बैक से भी पूरा ये टाई एंड डाई के पैटर्न में है और इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा पीस है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इस हॉल का जो लास्ट पीस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया और डेफिनेटली आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। सो कुछ इस टाइप का है, ये एक शॉर्ट ड्रेस है, आप इसे एज अ ड्रेस या फिर एज अ कुर्ती भी पहन सकते हैं और इसके साथ आप चाहें तो बॉटम भी वेयर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और राउंड इसका नेक है, साइज़ इसमें मैंने परचेज़ किया है एक्सेल, फैब्रिक है इसका कॉटन एंड राउंड नेक के साथ में छोटा सा वी कट आपको यहाँ पर फ्रंट में मिलता है। और यहाँ पर आप देखिए तो थ्रेड से हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी भी आपको मिलती है, फिर यहाँ पर आपको रफल की डिटेलिंग मिलती है, साथ में लेस की डिटेलिंग मिलती है और वेस्ट एरिया पर यहाँ पर आपको साइड में गैदरिंग डली मिलती है। और एंड ये जो लेस है वो आपको पूरा नीचे तक मिलती है और इसमें आपको मिलती है एल्बो स्लीव्स रफल की डिटेलिंग के साथ में। और यहाँ पर भी आप देखिए थ्रेड से हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है एंड यहाँ पर आपको इलास्टिक की डिटेलिंग मिलती है। और लुक वाइज ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और इसका फ्लेयर कुछ इतना है, आपको ट्राई ऑन में आइडिया हो जाएगा कि वेयर करने पर इसका लुक कैसा आ रहा है। बैक से ये पूरा प्लेन है और वेस्ट एरिया पर बैक में आपको जो है वो लेस की डिटेलिंग मिल रही है, तो काफ़ी स्टाइलिश ये ड्रेस है और वेयर करने पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो यही था आज का कलेक्शन, आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।